दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। मैच के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या काफी भावुक हो गए और MS धोनी के बारे में जो कुछ कहा उसने सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। साथ ही हार्दिक पांड्या पिच क्यूरेटर पर भी काफी भड़क उठे। क्या कुछ कहा कप्तान हार्दिक पांड्या ने MS धोनी के बारे में, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी कप्तान हार्दिक पांड्या और MS धोनी के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों इस दूसरे सांस रोक देने वाली रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ के इस स्पिन फ्रेंडली विकेट पे न्यूजीलैंड की टीम गिरते पड़ते 20 ओवरों में केवल 99 रन ही बना पाई और न्यूजीलैंड के कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। सबसे अधिक 20 रन कप्तान मिचेल सैंटनर ने बनाए। वहीं भारत की तरफ से सभी गेंदबाजों ने घातक और कसी हुई गेंदबाजी की, जहां अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 2 विकेट चटकाए। टी20 में इतना कम स्कोर पर रोकने के बाद लग रहा था कि भारत बहुत आसानी से जीत हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। जहां भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बहुत ही सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल ने 11 रन, ईशान किशन 19 और राहुल त्रिपाठी ने 13 रन बनाए और भारतीय टीम 10 ओवरों के बाद 46 रनों पर 3 विकेट खोकर काफी दबाव में आ गई थी। उसके बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव और वाशिंगटन सुंदर ने सिंगल डबल के साथ टीम को आगे बढ़ाया। इस पिच पर रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वहीं एक रन चुराने के चक्कर में वाशिंगटन सुंदर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने मुश्किल भरी पिच पर आखिरी ओवर में किसी तरह भारतीय टीम को जीत दिलाई। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में अपने कैरेक्टर के प्रतिकूल खेलते हुए 31 गेंदों में 1 चौके की मदद से 26 रन बनाए। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने 20 गेंदों में 15 रन बनाए। इस टी20 मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से एक भी छक्का नहीं लग पाया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड ही बन गया। मैच के बाद हार्दिक पांड्या काफी भावुक दिखे और उसने MS धोनी के बारे में जो कुछ कहा उसने सबका दिल जीत लिया। हार्दिक पांड्या ने कहा कि मुझे हमेशा से विश्वास था कि हम इस मैच को जीतेंगे, हालांकि यह मैच काफी डीप चला गया था। इस तरह के मैच में यह महत्वपूर्ण होता है कि ज्यादा पैनिक ना हो। यह सब मैंने माही भाई से सीखा है कि कैसे इस विपरीत परिस्थिति में खेलना है। हमने रिस्क नहीं लिया और सिंगल लेते रहे। इस तरह के विकेट टी20 के लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें संघर्ष करने में कोई समस्या है। अगर यहां 120 से 130 रन बन जाते तो शायद यह विनिंग स्कोर होता। हार्दिक पांड्या का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या के द्वारा MS धोनी को दिए गए इस सम्मान के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए क्रिकेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।